नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम बढ़िया सा चीज़ी ब्रेड टोस्ट। ये इतना बढ़िया लगता है ना, उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाल देना है थोड़ा सा सरसों का तेल। जैसे गर्म हो जाए तो एक कप जितनी लहसुन और इसी के साथ दो हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनना है। लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ना तब तक इसे भूनें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया। तो इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच कच्चा जीरा, जो हाँ जीरा ही डाल देना है, कच्चा जीरा, ताकि ये भी साथ साथ में भून जाए। तो बस अच्छे से इसे भी भून लिया। अब इसे एक मिक्सर जार के अंदर निकाल लेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, आधा नींबू का रस मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक। ढककर इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा और पानी डालने की ज़रूरत है। टोटल मैंने इसके अंदर आधा कप पानी डाला है और ये चटनी बनकर तैयार है। अब तवे पे थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे यानी कि बटर, और ये बनाई चटनी के दो चम्मच जितने डाल देंगे। अच्छे से इसे थोड़ा सा पकाएंगे तवे पर ही। उसके बाद यहाँ पर ना एक ब्रेड की स्लाइस ले लेनी है और इसके इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से चटनी लगा लेनी है। और ये सच्ची में इतना टेस्टी लगता है ना ये चीज़ी टोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से इसे आपको अच्छे से सेकना है। फिर थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देने हैं और इसे पलटते हुए और इसे सेकना है। जितना ही थोड़ा सा क्रिस्पी होगा ना और बढ़िया लगेगा। इस तरह से पलटने के बाद इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ या कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ढककर धीमी आंच पर चीज़ मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पर चीज़ मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, इतना इतना चीज़ी है ना। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बताएं रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।